राजधानी लखनऊ के लोक भवन में आज प्रगतिशील कृषक सम्मेलन का आयोजन किया गया। उद्घाटन सीएम योगी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। इस दौरान कृषक उत्पादक संगठनों को चेक बांटे गए, साथ ही लाभार्थी किसानों को ट्रैक्टर की चाबियां सौंपी गईं। कृषि यंत्रों का वितरण किया गया। मौके पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, मंत्री सुरेश राणा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि पहले किसान आत्महत्या के लिए मजबूर थे, लेकिन आज किसानों के पास कई योजनाएं हैं। पीएम कृषि सिंचाई योजना से भी किसानों को काफी फायदा हुआ है। किसानों को आधुनिक तकनीक और समय पे उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध हो सके, इसके लिए भी हम लोगों ने इन योजनाओं को इसके साथ जोड़ने का कार्य किया है। और आज इसका परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी किसानों की उपज को खरीदने के लिए अपनी प्रोक्योरमेंट की नीति है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के किसानों की फसल को खरीदने की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसका परिणाम था कि जब MSP धान की 1400 रुपये हुआ करती थी, तब प्रदेश के किसान को 900 रुपया भी नहीं मिल पाता था। और इस समय, इस वर्ष हम लोगों ने जब धान का क्रय किया, अब तक हम लोग लगभग 50 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय कर चुके हैं। और इस 50 लाख मीट्रिक टन धान के क्रय की प्रक्रिया के साथ हम लोगों ने देखा कि MSP अगर 1835 रुपया है तो किसान के खाते में 1855 रुपया गया है, क्योंकि लागत से अधिक दाम हमने उसकी ढुलाई, उसकी छनाई के लिए अतिरिक्त पैसा भी किसान को मंडी परिषद के माध्यम से देने का कार्य किया है। और ये पहली बार हो रहा है जब लागत से अधिक दाम राज्य में किसानों के खाते में जा रहा है, और सीधे किसानों से क्रय करने की व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा सीधे विभिन्न अपनी संस्थाओं के माध्यम से प्रारंभ किया गया है। सबसे पहले खबरें पाने के लिए ABP गंगा को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए। Facebook पेज है www.facebook.com/abpganga। Twitter पर भी फॉलो कीजिए, हमारा Twitter हैंडल है twitter.com/abpganga।